इजाज का गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इजाज एक ऐसा इंसान है जिसको 500 दिन के लिए भी अगर शो के अंदर डाल दिया तो वो सरवाइव कर सकता है, बिकॉज ही इज क्वाइट डिफरेंट गाय फ्रॉम ऑल अमंग सीजंस। तो वो इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको और जानना चाहूंगा सामने से। और राहुल, मैम राहुल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ही इज ऑलवेज डू अ स्मार्ट मूव्स, बहुत टैक्टिक से बात करता है, तरीके से बात करता है, बात को रखने की बराबर कोशिश करता है। मैं वो नहीं कहूंगा कि वो 10 में से 2 बात गलत बोल देता है, वो 2 हो जाती है लड़कों से गलत, मैं उसको इतना भी गलत नहीं कहूंगा, मगर खेल की अगर मैं तारीफ करूं तो उसका खेल बहुत अच्छा है, बट इजाज को कंपेयर नहीं करता फिलहाल। इजाज गेम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो लोगों के दिलों पर भी आ रहा है, दिमाग पर भी आ रहा है, और उसका एक तरीका है जो वो मार्क कर रहा है लोगों की इमेज के ऊपर और बना रहा है कुछ ऐसा। किसके साथ जाके आप सबसे ज्यादा, कई बार होता है ना जब हम देखते हैं, आप भी रोज रिव्यू करते हैं, तो एक बार किसी कंटेस्टेंट को देखकर अपने आप नॉर्मल एक लाइकिंग बनने लग जाती है। हालांकि रिव्यू में हम लोग अनबायस्ड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लाइकिंग वाकई में रहती है किसी के लिए कि ये शख्स बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे इसमें स्पार्क दिख रहा है। ऐसा आपको किसी के लिए महसूस हुआ है इस पूरे सीजन में? मैं 100% तो नहीं कहूंगा कि मुझे पूरी तरह से ही ब्लाइंडली फेथ होकर के अच्छा लग रहा है, पर मुझे इजाज खान बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे इजाज मतलब सी यूजुअली मैं एक बहुत बड़ी परिवार से आता हूँ, मेरे को 7 रियल सिस्टर्स हैं, उनके 7 हस्बैंड्स हैं, तो उनके 7 हस्बैंड्स को देख के, मेरे को मेरे पापा को देख करके, इनफैक्ट मेरा बड़ा भाई इमीडिएटली एक पापा है, तो इनको देख करके ऐसा लगता है कि इंसान थोड़े से, मर्द जो होते हैं हमारे घरों में जो मोस्टली पाए जाते हैं, ये थोड़े गंभीर होते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं, मुद्दों में ही बोलते हैं, तो इजाज के अंदर वो सारा ऑरा मुझे दिखता है जो शायद पूरी तरह से मेरे अंदर नहीं है। मैं थोड़ा किडिश हूँ, मस्तियां करता हूँ, तो वो मुझे कंप्लीट पैकेज उसके अंदर वो सीनियोरिटी वाला दिखता है, सो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है।